शिया वक्फ बोर्ड के पूर्व चेयरमैन वसीम रिजवी ने मुस्लिम धर्म ग्रंथ कुरान शरीफ से 26 आयतों को हटाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की। वसीम रिजवी द्वारा दायर की गई याचिका का देश भर में मुस्लिम समुदाय के लोग विरोध कर रहे हैं। इसी कड़ी में मंडला में बड़ी संख्या में मुसलमानों ने वसीम रिजवी के खिलाफ रैली निकालकर नारेबाजी की और वसीम रिजवी पर सख्त कार्रवाई करने के लिए राष्ट्रपति और राज्यपाल के नाम अपर कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है। प्रदर्शन कर रहे लोगों ने बताया कि वसीम रिजवी ने कुरान की 26 आयतों का गलत तरीके से तर्जुमा कर भ्रम फैलाने का काम किया है, इससे मुस्लिम समाज में काफी आक्रोश है। वसीम रिजवी एक लखनऊ उत्तर प्रदेश का एक आदमी है, शहरी है। इसने इससे पहले भी मजहब इस्लाम पर उंगली उठाने की कोशिश किया है। मसलकन तो पहले तो शिया था ये, लेकिन शिया समाज ने भी इसका बायकॉट कर चुका है, तो अब ये किसी मजहब का नहीं, नास्तिक आदमी है ये, एक बात ये। दूसरी बात है कि इस पर कार्रवाई होनी ही चाहिए, इसलिए होनी चाहिए कि कुरान के मानने वाले पूरी दुनिया में है। अगर इस पर कार्रवाई नहीं होती तो पूरी दुनिया में खराब मैसेज जाएगा कि हिंदुस्तान में कुरान के खिलाफ आवाज उठी लेकिन हुकूमत ने कुछ नहीं किया, क्योंकि पूरी दुनिया में इसके मानने वाले मौजूद हैं। जब ये आलमी लेवल की किताब है, वर्ल्ड लेवल की किताब है, तो दुनिया भर में आवाज उठेगी, इस मुल्क का की एक बदनामी होगी। हमारा देश बदनाम ना हो, इसके लिए हम प्रशासन से पुरजोर मुतालबा करते हैं कि इन पर सख्त से सख्त कार्रवाई करें।